रशियन एटमी हथियारों को रखने की बेलारूस में अब तैयारी शुरू हो गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रेस्टोरेशन साइट को तैयार करने का आदेश दे दिया है। रूस की टोपोल बैलिस्टिक मिसाइलें बेलारूस में तैनात होंगी। रूस यूक्रेन वॉर की आड़ में न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की आशंका गहराती जा रही। रशियन एटमी हथियार रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रशियन न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए रेस्टोरेशन साइट तैयार करने के आदेश दिए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा, रशियन टोपोल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की जगह हम तय कर रहे हैं। हमने अधिकारियों से जल्द एटमी मिसाइल की तैनाती के लिए कहा है। 90 के दशक में जहां एटमी मिसाइलें हटाई थी, वहां भी तैयारी चल रही है। तब इन मिसाइलों को बेलारूस से हटाकर रूस में शिफ्ट कर दिया गया था। अब उन्हीं जगहों पर रूस से आने वाली एटमी मिसाइलों की तैनाती की तैयारी है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के ऐलान पर जेलेंस्की ने भी पलटवार किया। जेलेंस्की ने कहा, न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पुतिन जिनपिंग बातचीत के नाकाम रहने का सबूत है। जिनपिंग ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए शांति वार्ता के नाम पर रूस जाकर पुतिन से मुलाकात की थी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पश्चिम को सीधी धमकी, हमला किया तो एटमी हथियारों से जवाब देंगे, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल का भी करेंगे इस्तेमाल, लुकाशेंको ने कहा है। बेलारूस के संसद में राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बहुत बड़ा दावा किया, दावा एटमी युद्ध का, दावा पोलैंड के बेलारूस में हमले की आशंका का। बेलारूस ने संसद में कहा, नाटो शक्ति खास तौर से पोलैंड बेलारूस में हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पोलैंड के हजारों सैनिक मौजूद हैं। इस दावे के साथ ही लुकाशेंको ने चेतावनी भी दी। लुकाशेंको ने बयान जारी करते हुए कहा, अगर पश्चिम ने हमला किया तो एटमी हथियारों से अपनी रक्षा करेंगे। रूस के एटमी हथियार इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है। पुतिन से और पावरफुल एटमी हथियारों की सप्लाई पर बात हो रही है। जरूरत पड़ी तो टैक्टिकल ही नहीं, स्ट्रेटेजिक एटमी वेपन भी आजमाए जाएंगे। मॉस्को और मिक्स मिलकर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। लुकाशेंको के बयान से साफ है कि पुतिन के साथ परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी साझेदारी हुई है। सवाल ये है कि क्या बेलारूस के रास्ते पुतिन नाटो देशों पर परमाणु हमला करने की तैयारी में है? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना पोलैंड है? और क्या पोलैंड की वजह से ही परमाणु युद्ध का आगाज होने की आशंका है? और एक और बड़ी खबर, पुतिन और जिनपिंग के बीच विफल रही है वार्ता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती पर जेलेंस्की ने कहा, वार्ता सफल होती तो बेलारूस में नहीं होती एटमी तैनाती। रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होंगे। इस फैसले के बाद यूक्रेन पर एटमी हमले का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के इस फैसले को जेलेंस्की अलग ही मोड़ दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा करते हुए पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को निशाना बनाया। जेलेंस्की के मुताबिक बेलारूस में एटमी हथियार की तैनाती की वजह पुतिन और जिनपिंग के बीच वार्ता का विफल होना है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर दोनों के बीच वार्ता सफल होती तो बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती ना होती। जेलेंस्की ने दावों के पीछे तर्क भी दिया। उनके मुताबिक जिनपिंग रूस में शांति का संदेश लेकर गए थे। जिनपिंग ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए पीस फॉर्मूला बनाया था, लेकिन अब तक शांति की कोई ठोस पहल सामने नहीं आई। जिनपिंग ने यूक्रेन से बातचीत की अभी तक कोई खास पहल नहीं की, जबकि जेलेंस्की ने खुद जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दिया है। जेलेंस्की के मुताबिक उनके और जिनपिंग के बीच एक साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन का विदेश मंत्रालय अभी तक जेलेंस्की के दावों पर चुप्पी साधे हुए है।